जब व्यक्ति ने किया दावा भगवान हूं तो करो रक्षा। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? नीरज दास। सर कहां से आए हैं आप? प्रेमनगर लुधियाना। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जय गुरुदेव पंथ में संत तुलसीदास जी से नाम लिया था और उन्हीं की बताई हुई साधना करता था मैं। उन्होंने 5 नाम देते थे, ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। वहाँ पे मैंने 3 साल तक भक्ति की, उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ और उल्टा मेरे को दुखी हुआ वहाँ से। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में इसे आया कि मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया ये साधना करते करते ही, और सभी डॉक्टरों ने बोल दिया कि भाई अब तुमको ज़्यादा हो गया है और इसका इलाज हम करेंगे तो बहुत महंगी करेंगे, बाकी इसकी गारंटी नहीं लेंगे हम। तो फिर मैंने अरदास भी लगाई वहाँ पे जय गुरुदेव पंथ में, तो उन्होंने बोला बेटा कर्म का भोग है, जो कर्म किए उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैं कहा कि भक्ति भुक्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन संतों के पास कुछ है ही नहीं जो हमको कुछ लाभ नहीं दे सकता है, तो इस भक्ति से क्या फ़ायदा हमको। फिर हमने क्या किया कि दर्द इतने होते थे कि हमको रोज़ इंजेक्शन लगते थे, कई कई बार हम अपने आप इंजेक्शन लगा लेते थे और दवाई तो हमेशा जेब में रहती थी हमारे, पेन किलर। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन हमने पॉइजन ले आई, उसको हमने ये मन में दिमाग में ले आया कि मैं इसी को खा लूँगा अब, क्योंकि इतनी तकलीफ होती थी हमको कि बिल्कुल असहनीय। तो हमने पॉइजन रखी और इसी तरह लेट गए बेड पे। फिर गुरुजी ने बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक बैग प्रकट हो गए वहाँ पे और मैं बैठे हूँ देख रहा हूँ कि कोई आ रहा है, लेकिन मैंने गुरुजी को कभी देखा नहीं था। जब प्रकट हो गए इसके बाद बोले बेटा भक्ति कर, तो मेरे मन में थोड़ा सा कुछ उल्टी भावना आई। मैं कहा कि मैं तो इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ और कोई लाभ नहीं है, आप कहते हो भक्ति कर। तो बोले नहीं बेटा तू भक्ति जो कर रहा है गलत है। तो मैंने कहा कि भक्ति गलत है, आप कहते हो कि जो मैं सही भक्ति बताता हूँ, तो आप तो संत लगते नहीं हो। क्योंकि सर जी हमारे मन में ऐसी भावना थी कि जिसकी लंबी दाढ़ी होंगी, जिसके कपड़े अलग तरह के होंगे, वही संत है। तो हमने बोला आप तो संत हो नहीं क्योंकि आपका कपड़े भी कोई वैसे नहीं है और आपके पास दाढ़ी मूछ भी नहीं है। तो बोले नहीं बेटा मैं पूर्ण परमात्मा का अवतार हूँ और मैं जो है तेरे को बचाता रहा आगे, और इसलिए मैं आया हूँ आज। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कहते हो नकली नाम देते हैं तो आप नाम बताओ कि आप क्या देते हो, तभी हम कुछ टैली करेंगे कि वो क्या देते हैं आप क्या देते हो। तो गुरुजी ने बोला बेटा इसे नाम नहीं देते हम। तो हम बोले तो फिर हम कैसे पता पाएंगे। तो गुरुजी ने वहाँ पे हमसे फार्म भरवाई नाम दीक्षा की, फिर उन्होंने पहला मंत्र दिया घर पे ही हमारे आकर के, बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने। जब गुरुजी ने सर पे हाथ रखा हमारे, बोले बेटा अब आराम है दर्द को तेरे? मैं कहा हाँ जी अब तो आराम है। गुरुजी ने बोले कि ठीक है तू आ जाना मेरे पास। तो मैं बोला गुरुजी मेरे पास तो पैसे नहीं आने के, तो मैं कैसे आ पाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि और संतों के पास जाओ तो कुछ न कुछ फीस देनी पड़ती वहाँ पे। तो गुरुजी ने हंसने लगे, बोले बेटा वहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं, तो केवल किराया लेके आ जाना जितना किराया बरवाला का है। मैं कहा ठीक है जी आ जाऊँगा। क्योंकि एक लत थी हमको कि हम बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, क्योंकि जय गुरुदेव पंथ में बताते थे कि आप हुक्का पी सकते हो, बीड़ी पी सकते हो। इसके बाद हमने जब गुरुजी चले आए बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज, वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर मेरे दिमाग में आया कि आराम भी हो गया था, क्योंकि जब आराम होता है तो मन बकवाद करने लगता है। तो हमने कहा कि ये तो बीड़ी भी छुटवा रहे हैं, छोड़ नहीं जाएंगे वहाँ पे। फिर दूसरे दिन फिर दर्द होने लग गया, फिर मैंने दवाई ली, इंजेक्शन लगवाए। फिर तीसरे दिन फिर संत रामपाल जी महाराज सपने में आए, फिर बोले बेटा तू आया नहीं। मैं कहा गुरुजी अब कल जरूर आऊँगा। फिर गुरुजी फिर अंतर ध्यान हो गए वहाँ से। फिर मैंने कमरे से निकला बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज के पास जाने के लिए, तो मैं जब स्टेशन पहुँचा लुधियाना तो वहाँ मेरे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। वो बोले तू कहाँ जा रहा है? मैं कहा मैं तो जा रहा हूँ हिसार। बोले तेरे और साथी कहाँ हैं? मैं कहा मेरे कौन साथी, मेरा तो कोई साथी नहीं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे को ये बीमारी है, मैं सत्संग में जा रहा हूँ। बोला नहीं नहीं तेरे और साथी हैं, चल तेरे को ले चलते हैं थाने में, तब तू बताएगा। उन्होंने पकड़ करके गाड़ी रखी थी उनकी, खड़ी थी उधर, गाड़ी में हमको बैठा लिया।
फिर इसके बाद जो है मैंने बोली, मैं कहा परमात्मा अगर आप परमात्मा हो तो मेरा तो यहाँ कोई है भी नहीं, और ये हमको पकड़ लिए हैं, मैं कैसे आऊँगा आपके पास। फिर सर जी वहाँ पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक बुजुर्ग का रूप बना के, हम तो यही कहेंगे क्योंकि हमने अरदास लगाई है, उसके 5 मिनट बाद जो है वो इंसान आया वहाँ पे और वो बोला मैं इनको जानता हूँ, आप छोड़ दो इसको। फिर उसने बोला कि नहीं इसके और भी साथी हैं, तो बोले कि नहीं इसके कोई साथी नहीं, मैं जानता हूँ इसको, इसको छोड़ो आप। फिर उन्होंने हमको छोड़ दिया वहाँ से और हमको स्टेशन के बाहर ले आके छोड़ा पुल के पास, बोला अब तू इधर नहीं आना। मैं कहा ठीक है मैं उधर नहीं जाऊँगा। फिर मैं पुल क्रॉस होकर के, जो जगरावा पुल है ये क्रॉस होकर के, फिर मैं उल्टी साइड से गया स्टेशन पे, फिर मैं बरवाला सतलोक आश्रम बरवाला में जब मैं पहुँचा तो 3 बज रहे थे उस समय। गुरुजी ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने लोगों को दर्शन दे करके अंदर जा रहे थे। फिर जब मैं गया तो भगत जी बोले कि भगत जी जल्दी चलो नहीं तो गुरुजी चले जाएंगे। फिर हम लोग दौड़ने लग गए, फिर गुरुजी खड़े हो गए वहाँ पे। जब गुरुजी खड़े हो गए फिर इसके बाद मैं जाने लग गया, तो जो आगे अपने आश्रम में सतलोक आश्रम में जो जाली लगी है अंदर पंडाल में, जब वहाँ मैं पहुँचा तो गुरुजी ने बोले, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बोले कि नीरज बेटा आ गया तू। फिर मैं एकदम हैरान हो गया, मैं कहा कि मैं तो स्वप्न मान रहा था कि ऐसा होता है कई बार जो है, लेकिन ये तो सच्चाई है क्योंकि इन्होंने मेरा नाम ले लिया। फिर इसके बाद बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज ने मुझको बुलाए और अमृत जल दिए। इसके बाद बोले बेटा इसको रोज 1.5 महीने तक तू लगातार सुबह शाम पानी में डाल के पीना और इसी से नहाना, और तू भक्ति कर, भक्त को कैंसर नहीं होता पूरी मर्यादा में रह करके। और क्या लाभ भी प्राप्त हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? पहली बात तो पहला लाभ ये हुआ, आध्यात्मिक लाभ, कि हमको जीवन जीने का एक तरीका मिल गया, हमको पता लग गया कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला हुआ है और इससे क्या करना चाहिए हमको और कैसे समाज में रहना चाहिए। और हमको सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला जो है कि अब हम जो है सतलोक जाएंगे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो भक्ति में रह के पूरे मर्यादा में रह के भक्ति करता है वो सतलोक जाता है जी। और ये लाभ हुआ कि हमारी गुड़िया जो 2 साल की थी, तो हम जब गांव से आए इसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई अचानक, हमको 2-3 दिन आए हुए हुआ था। फिर उसको खून की पेशाब होने लग गई, फिर लोगों ने बोला कि इसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, तो मैं ले गया हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल वाले ने बोला कि ये तो भाई बहुत जटिल बीमारी है और इसके लिए आप 10,000 तुरंत जमा करो, तो अपने पास पैसे नहीं था। फिर हमारी भक्तमती ने बोली कि जो है ऐसा करो कि आप बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगा लो। फिर मैंने अरदास लगाई वहाँ पर, तो गुरु जी ने बोला कि बेटा ठीक हो जाएगी। फिर मेरी गुड़िया 1 घंटे के बाद जो है एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। 1 घंटे से पहले ही मेरी भक्तमती जो है उस गुड़िया को लेकर बैठी हुई थी कमरे में, उधर मैं अरदास लगाया, इधर कबीर साहब ने जो है प्रकट हो गए वहाँ पे और मेरी भक्तनी को जो है दर्शन दिए और बोले कि बेटा ये कबीर साहब की बच्ची है और इसको कुछ नहीं होगा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं सर, आज का समाज जो है वो ग्रेजुएट समाज है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग अपने ग्रंथों के को पढ़ सकते हैं, इसलिए परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हर ग्रंथ को खोल करके इन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया है कि भगत समाज इसको देखे और जो समझे कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। अगर भगत समाज उसको, जिसको परमात्मा पाने की लालसा है, इच्छा है मन में, वो अगर सत्संग देखेगा, अपने ग्रंथों से मिलान करेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि पूर्ण संत कौन है और नकली कौन है। इसलिए ये जो है मार्ग और ये समय, ऐसे समय परमात्मा ने जो चलाई है कि आज भगत समाज के लिए एक वरदान सा है, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं उनके लिए हमारा यही संदेश है कि वो लोग अपने हठयोग को और जो अपने अकड़ दिखा रहे हैं कि हमारे संत ठीक हैं, हमारे संत ठीक हैं, वो उनको समझें और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुने और यहाँ पे बरवाला आश्रम जिला हिसार में आए और अपना कल्याण कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर हमारे अलग अलग जिलों में अलग अलग नामदान केंद्र बनाए गए हैं और वहाँ पे नामदान चलता है, वहाँ पे जाके भगत समाज अगर कोई नाम लेने के इच्छुक हैं तो साधना चैनल पे गुरुजी का प्रोग्राम आता है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का, उस पे नीचे लाइनिंग आती है, उस पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं, उससे फ़ोन नंबर से संपर्क करके वो अपना जो है नामदान ले सकते हैं।
धन्यवाद सर।